हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं। हम देखिए, हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस टू एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस टू माइनस ए माइनस टू। हम देखिए, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इन दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हम देखिए, इसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस टू प्लस ए प्लस टू। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस फोर। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फोर। यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा थ्री। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी माइनस वन, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है थ्री, हो जाएगा थ्री प्लस टू ए बी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टू ए बी इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखें तो हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी माइनस वन, इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी थ्री, माइनस ए बी की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस वन इंटू में ये हो जाएगा फोर। तो यहाँ से हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फोर। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर ए बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। फोर ए बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमारे पास हो जाएगा फोर ए बी, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू में ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी माइनस वन, हो जाएगा इंटू में माइनस वन माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई थी माइनस फोर, हो जाएगा माइनस फोर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 4, इसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।